told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो आज ये मैंने मेकअप किया है, क्रिसमस मेकअप लुक। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? एंड अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी न्यू जो वीडियो आएगी आप उससे नोटिफाइड रहोगे। तो आपको अगर ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो देखिए, मैंने ये मेकअप लुक बहुत, मतलब ये मेकअप लुक मुझे करने में काफ़ी टाइम लग गया एंड फिर से रात हो चुकी है बाहर, तो मैं अभी छत पे फिर से अकेली हूँ। और फटाफट से आप लोग ये वीडियो देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा गाइज। तो पहले हम लोग अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, उसके लिए लिया है मैंने जॉय स्किन फ्रूट क्रीम। तो पहले हम लोग अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे क्योंकि विंटर का टाइम है, तो हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। वो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है एंड अब इसको 10 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद तो 10 सेकेंड के लिए इसको छोड़ना है, उसके उससे पहले हम लोग ये लिप को भी अपने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिप बाम लिया हुआ है एंड अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा प्राइमर लेंगे एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। एंड फिर से आज भी शाम हो चुकी है मुझे वीडियो बनाने में, और पीछे फिर से आपको परछाई दिखेगी मेरी। मतलब पता नहीं क्यों यार, मैंने अपना लाइटिंग अच्छे से फिर से एडजस्ट किया हुआ है, फिर भी अच्छे से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं जब मतलब गर्मी में बनाती थी वीडियो दोपहर के टाइम में, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग आती थी, मतलब बाहर से नेचुरल लाइट आती है तो अच्छा रहता है। तो मुझे एक दीदी ने बताया, मतलब उनका भी यूट्यूब चैनल है, और उन्होंने बताया कि आपके पीछे मतलब लाइटिंग के थ्रू प्रॉब्लम है। तो मैंने यार थोड़ा सेटअप अपना चेंज किया, फिर भी पीछे फिर से ऐसे ही पता नहीं क्यों सैड हो आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कब से इसको सही कर रही थी। एंड फिर से आज शाम हो चुकी है एंड मुझे वीडियो बनाने में फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मैंने अभी अपने फेस पे यहाँ पे प्राइमर लगा लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लिया है परसोनी का फाउंडेशन एंड ये ओलिविया का पेनकेक। तो इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी, जितना मुझे अपने फेस के अकॉर्डिंग चाहिए मैं उतना इसमें मिक्स करूँगी हम इसको। एंड अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम मिला लेते हैं मॉइस्चराइज़र, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लिया हुआ है आप देख सकते हैं, और मैंने थोड़ा अपने नेक पे भी लगाया हुआ है क्योंकि दोनों स्किन टोन अच्छे से मिलना चाहिए, नहीं तो फेस अलग दिखेगा और गला अलग ही। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ब्लेंड करेंगे हम लोग फटाफट। तो मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया हुआ है एंड अब हम लोग लगाएंगे कंसीलर। मैं यहाँ पर मार्स का कंसीलर ले रही हूँ जो कि वाटर प्रूफ है और काफ़ी अच्छा है और बहुत ही हाई कवरेज है, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही ले रही हूँ एंड थोड़ा सा अपने आईलिड पर लगाऊँगी, अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको, अच्छे से अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लेंगे एक पाउडर के हेल्प से। फ्लिपकार्ट से मैंने ये एक पैलेट ऑर्डर किया है, तो आज मैं इसी से अपना पूरा मेकअप करने वाली हूँ आई मेकअप। तो इससे आज हम लोग अपना क्रिसमस मेकअप लुक्स करने वाले हैं। तो कलर बहुत ही प्रिटी से हैं, इसमें बहुत ही लाइट शेड लेंगे। तो सेम कलर हम अपने दूसरे आईज पे भी लगाएंगे। तो मैंने पहले इसमें थोड़ा सा एक पीची पिंक करके था वो कलर लिया एंड अब इसमें से मैं ये थोड़ा पिंक कलर है जो इसको थोड़ा सा अप्लाई करूंगी बहुत ही। तो पहले हम इधर ही अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा रेड शेड में लूंगी, मरून काइंड ऑफ शेड है, तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा पैलेट है ये।
एंड ये बहुत अच्छा पैलेट है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पिगमेंटेड है पहले देखिए तो, और मुझे इसे थोड़ा कम कम लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। इसमें से बहुत तो मेरा मन कर रहा है लेने का। यहाँ पे एक डार्क पर्पल काइंड ऑफ शेड है, मैं थोड़ा सा इसे लूँगी, बहुत ही हल्का सा, एंड मुझे इसे यूज़ करने का मन कर रहा है इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिया। एंड मैं इसे भी थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करूँगी एंड ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये पर्पल शेड मैं अपने इनर कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा पर्पल शेड ले रही हूँ। ये 4 सिमर सेट दिए हुए हैं तो यहाँ पे मैं ये रेड वाला और ये गोल्डन वाला अप्लाई करूँगी। एंड इसका सिमर सेट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हो रहा है गाइज। मैं हाथों से भी थोड़ा अप्लाई कर, ओह माय बहुत अच्छा है। नेक्स्ट साइड भी पिक करूँगी। मैंने ऊपर अपने आईज पे यूज़ किया है वही सेम कलर, में अपने नीचे आईज पे भी स्मच करूँगी। मैंने अपना आईब्रो फिल कर लिया हुआ है, ये थोड़ा अजीब आपको दिख रहा होगा क्योंकि मेरा आईब्रोज अभी एक बार भी नहीं बनाया, मतलब बनवाया हुआ है मैंने, तो इसलिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। एंड मुझे लाइनर लगाना नहीं आता है तो एक बार में मेरा होता नहीं है। अभी एक बार मैंने अभी इसको साफ़ किया एंड दोबारा लगा रही हूँ और मेरा आई मेकअप भी थोड़ा बिगड़ गया इसीलिए। एक साइड तो लगा ली, अब दूसरे साइड सेम टू सेम कैसे लगाऊंगी मैं। चलिए तो अब लगा कर मिलती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मेरा लाइनर ही नहीं लगता है जल्दी। तो आई थिंक मैंने दोनों साइड सेम लगाया हुआ है एंड मुझे लग नहीं रहा है कि ये सेम टू सेम ही है। एंड अब काजल लगा लेते हैं। मैं स्मच करूँगी इसी पैलेट के पर्पल कलर से, ये जो पर्पल शेड है इससे और थोड़ा ये मरून शेड इससे, इसको अच्छे से स्मच करेंगे जिससे कि इसका कलर और अच्छा हो जाए। अब मस्कारा लगा लेते हैं एंड ब्लशर के लिए मैं यहाँ से ये पीच कलर का जो है ना कलर, इसको मैं ब्लशर के लिए यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो बहुत हल्का हल्का सा लेके मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने चिक पे। हाइलाइटर का भी काम इसी से करूँगी, इसमें जो ये थोड़ा गोल्डन शेड दिया मैं उससे पिक करूँगी। तो आई लेसेस और ज्वेलरीज पहन के मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मेकअप आप क्रिसमस को तो कर ही सकते हो और भी जो फेस्टिवल आते हैं आप उस पर भी क्रिएट कर सकते हो। और मैं इसको, और ये वाटरप्रूफ है गाइस, तो मैं इसका आपको रिजल्ट आपको दिखाती हूँ भी कि ये वाटरप्रूफ है। तो मैंने यहाँ पे पानी ला रखा है तो आपको दिखाती हूँ ये मैं अभी। तो आप लोगों ने देखा ये वाटरप्रूफ है मेकअप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और मैं फिर से इस ठंडी में नहा ली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।